हेलो फ्रेंड, एकता लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेसन की सेव। बेसन की सेव हम घर पे कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे घर पे झटपट तैयार कर लेंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है। ये बड़ों से लेकर छोटों को बहुत ही पसंद आती है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हम आपको घर पर बनाना बताएँगे। तो आइए, इसके लिए जो सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बड़ी सी थाली या परात ली है और यहाँ पे हमने 250 ग्राम, आप चाहें तो आधा किलो बेसन की भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने 250 ग्राम बेसन लिया है, ये घर का पिसा हुआ बेसन है, आप चाहें तो बाज़ार से भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटी सी परात ली है और एक इस तरह से रेडीमेड मशीन आती है, ऑनलाइन आप परचेज़ कर सकते हैं। और एक ये छोटी सी मशीन है, बहुत क्यूट सी, इससे भी हम पतली सी सेव बना सकते हैं। और भी इसके सांचे हैं जिससे हम तरह तरह की नमकीन बना सकते हैं। और इसके लिए जो मसालों की ज़रूरत पड़ेगी वो है, यहाँ पे हमने एक चम्मच लाल मिर्च ली है, हींग ली है दो चुटकी, एक से डेढ़ चम्मच नमक अभी अपनी स्वाद के अनुसार। और कलर के लिए हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो फूड कलर भी डाल सकते हैं। और मोयन के लिए हमने यहाँ पे एक से दो बड़े चम्मच मोयन लिया है और ज़रूरत के अनुसार यहाँ पे हम पानी लेंगे। तो आइए इसका डो बना के रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल में जो हमने ये बेसन लिया है उसको हम परात में डाल लेंगे, या आप बड़ी सी थाली में ले सकते हैं। इसे हमें अच्छे से सारी चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स करना है। तो सबसे पहले हींग डालेंगे, हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ पे चटपटा बनाने के लिए हमने लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो कुटी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे ये हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। और ये दो बड़े चम्मच मोयन लिया है, इससे हमारी नमकीन बहुत ही क्रिस्पी बनती है। इसे भी यहाँ पर डाल के इस डो को हमें अच्छे से मिक्स करना है। पहले हम इसे बिना पानी के ही मिक्स करेंगे जिससे ये सारा इंग्रेडिएंट अच्छे से सब में मिक्स हो जाए। तो इसे हमें हाथों से चारों तरफ से मिलाते हुए अच्छे से मिलाना है, और तब तक मिलाना है जब तक इसका एक परफेक्ट डो ना रेडी हो जाए, यानी मोयन अच्छे से लग के ना तैयार हो जाए। तो इस तरह से हमें चारों तरफ हाथ घुमाते हुए हमें इसका मोयन मिलाना है। और इसे इसका मोयन चेक करने के लिए हम इसे मुट्ठी बांध के देखेंगे। अगर मुट्ठी बंधने लगी है या हमारा पेड़ा सा बनने लगा है तो इसका मतलब इसमें मोयन बिल्कुल परफेक्ट लगा है। इस तरह से ये देखिए, इसकी मुट्ठी बनने लगी है, इसका मतलब मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के रेडी करेंगे। ये देखिए, मोयन अच्छे से मिल गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, पानी हमें थोड़ा थोड़ा डाल के ही इसे अच्छे से मिक्स करना है। और इसका एक मीडियम डो लगा के तैयार करेंगे। इसका हमें सख्त आटा नहीं लगाना है और ना ही बहुत सॉफ्ट लगाना है। इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे एक डो तैयार कर लेंगे। तो आइए हम इसे तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे डो बना के तैयार कर लिया है। हाँ, तो हमें थोड़ा सा चिकनाई लगा के इसे आप अच्छे से डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पानी हम और डाल देंगे और इसे मसल मसल के तैयार करेंगे, क्योंकि डो थोड़ा सा हमको टाइट लग रहा था। अब यहाँ पे हमने डो को हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, आप चाहें तो इसे 5 से 10 मिनट के लिए भी रख देंगे, तो डो हमारा बिल्कुल सॉफ्ट तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे। और ये देखिए, हमने इसे 5 मिनट के लिए रख दिया था, डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। अब इसे हम हल्के हाथों से थोड़ा सा और मसल लेंगे। अभी हमने मशीन यहाँ पे जो ली है, इसका मशीन हमें नीचे से इसको ये खोलना है, इसमें हमने सांचा पहले ही फिट कर लिया है। अब इसे हमें ग्रीस से ऑयल करना है। आप एक ब्रश की सहायता से मशीन के अंदर पहले हमें ऑयल से ग्रीस कर लेना है, और ये छोटी वाली मशीन में भी हम ऑयल लगा देंगे जिससे हमारा डो इसमें चिपके नहीं और बहुत ही आसानी से निकल आए। तो यहाँ पे हमने सबसे छोटा सांचे से थोड़ा सा जो उससे बड़ा होता है वो वाला हमने इसमें सांचा डाला है, और इस तरह से इसको पकड़ना है और इसे घुमाते हुए इसमें लगाएंगे, या ऊपर से दबाते हुए भी आप निकाल सकते हैं। तो आइए इसमें डो भर के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इसमें ग्रीस कर लेंगे। यहाँ हमने ब्रश की सहायता से इसके मशीन के अंदर ग्रीस कर लिया है। इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो हमने इस बड़ी मशीन में
यहाँ ऑयल लगा लिया है, अब इसे छोटे में भी लगा लेंगे। आप हल्का हल्का ऊपर से कर लेंगे तो इसमें ऑयल अच्छे से चला जाएगा। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा पोर्शन लेके जितना हमें मशीन में डालना है उतना हम रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया, हाथों को ऑयल से ग्रीस किया, हाथों में ऑयल लगा लेंगे जिससे ये हमारे हाथ में चिपके नहीं और ये एक लंबा लंबा ये बना के मशीन में जितना आ जाए आसानी से उतना हम डाल के तैयार कर लेंगे। छोटा सा पोर्शन और डालेंगे जिससे मशीन में आसानी से पूरी आ जाए, एक्स्ट्रा हो तो आप उसे निकाल दें जिससे मशीन का ढक्कन हमारा लग सके आसानी से। आप छोटा सा पोर्शन लेंगे और ये छोटी सी मशीन में डाल देंगे। इस तरह से हम मशीन को पहली बार के तैयार कर लेंगे और गैस पे ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे। गैस पे हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, इसे मीडियम हाई फ्लेम पे गर्म होने देंगे। तब तक हम यहाँ मशीन को भर के रेडी कर लेंगे। तो आइए अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे इस तरह से हम आपको बता देते हैं कि ऐसे हमने डो भरा, ऊपर से हमें एक हाथ से प्रेस करना है और इसे घुमाते हुए चलाना है, या आप चाहें तो दोनों हाथों से ऊपर से प्रेस करते हुए निकालेंगे तो भी निकल आएगी। तो इसे हम आपको बना के दिखाएंगे। और ये देखिए, इसको हमने आसानी से भर लिया है तो ये ऊपर से जैसे जैसे प्रेस करते जाएंगे इस मशीन से बहुत आसानी से निकल जाता है। तो अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। यहाँ पे हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ऑयल को हमें कैसे चेक करना है, तो यहाँ छोटा सा पोर्शन लेके हम इसमें डालेंगे और ये देखिए जैसे ही ये ऊपर आ जाए इसका मतलब हमारा तेल गर्म हो चुका है अच्छे से। अब गैस को हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे, मीडियम हाई फ्लेम पे कर देंगे और अब इसमें हम बेसन की सेव डालेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम पहले इस मशीन से आपको सेव बनाना बताएंगे। हमें ये जो है इसको हाथ से प्रेस करते हुए दबाना है और बस बहुत ही आसान तरीके से आप घुमाते हुए इसमें डालेंगे और ये पूरा एक गोल गोल सा बनके तैयार हो जाता है। जितना ज़रूरत हो आप उतना ही डालें और ऐसे हाथ की सहायता से उसे तोड़ दें और बस जब तक ये झाग बन रहा है तब तक आप इसको टच नहीं करें। ये मीडियम हाई फ्लेम पे बहुत ही आसानी से सिक के रेडी हो जाएगा। जब झाग ख़त्म हो जाए तब आप इसे पलट दें और ये देखिए झाग ख़त्म होने लगा है। अब इसे हम जालीदार छन्नी से या झाबा से इसे पलट के ऐसे पलट देंगे और ये देखिए एक तरफ से सिक्के रेडी है। ये 2 से 3 मिनट में सिक्के रेडी हो जाता है, बहुत कम समय में ही ये बन जाता है। अगर आप तेज आंच पे इसे सेकेंगे तो ये ऊपर से तो जल जाएगा और क्रिस्पी भी नहीं बनेगा, जले जले का फ्लेवर आएगा। आप धीमे आंच पे अगर इसे सेकेंगे तो बहुत ही क्रिस्प बन के ही तैयार होगा। और ये देखिए सिक्के रेडी है। इसी तरह से हम अब दूसरा बैच भी आपको दिखाएंगे। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हल्का सा छन्नी को हिलाते हुए हमें इसमें निकालना है जिससे एक्स्ट्रा ऑयल नीचे गिर जाए। अब हम आपको सेकंड बैच बना के दिखाते हैं। इसी तरह से प्रेस करते हुए हम दूसरा बैच भी बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से बहुत ही आसानी से आप जब भी मन चाहे घर पे बेसन की सेव बना के तैयार कर सकते हैं। और अब तो होली है, होली में तो इसे बनाना बनता है। तो इसी तरह से हम सारी सेव बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, सेब की आप चिंता ना करें, कोई भी सेब में डालिए, अंत में उसे हमें क्रश ही करना है और बहुत ही आसान तरीके से ये सिक्के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, इसे भी पलट देंगे और पलट के इसे अलग पलट करके हमको सेकना है। ये झटपट बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, ये भी सिक्के रेडी है, इसे भी हम निकाल लेंगे। और ये देखिए, इसे भी हम निकाल लेंगे। इसी प्लेट में हमें इसे भी निकालना है। अब हम इसे आपको छोटी मशीन से बनाना बताएंगे। और ये देखिए, मशीन में हमने डो भर के रखा था। अब इसे दोनों हाथों से प्रेस करके लगातार घुमाते हुए हमें ऐसे ही बनाना है जैसे बड़ी मशीन से बनाया था। और ये देखिए, बहुत ही आसानी से निकल के तैयार हो जाते हैं। जितना आप चाहें उतना निकाल सकते हैं और हाथों से ऐसे गिरा के बस एक गोल सा तैयार कर लेंगे।
अब इसे भी हमें पलट के सेक लेना है। बस ये है कि आप पतली मोटी जैसी आप सेब चाहे वैसे बना के तैयार कर सकते। अब इसे भी पलट के सेक लेंगे और ये 2 से 3 मिनट में सिक के रेडी हो जाएगा। कितनी क्रिस्पी, कितनी लाजवाब बेसन की सेव बनके झटपट तैयार है। और ये देखिए आपको हम इसे आवाज़ भी सुनाते हैं। ये देखिए इस तरह से अब हम इसको क्रश कर लेंगे और ये छोटी मशीन से है, ये हल्की सी मोटी है लेकिन बहुत ही आसानी से बन जाती है और ये थोड़ा महीन है। जैसी आप पसंद करें वैसी बना सकते हैं। अब इसे हम हल्के हाथों से क्रश कर लेंगे और ये देखिए इसी तरह से हम इसको भी क्रश कर लेंगे। ये देखिए हमारी मोटी बन के रेडी है। ये देखिए अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपना फीडबैक जरूर दें। ये देखिए बनके रेडी है।